भारतीय युवा कांग्रेस के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनासागर झील में हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की है। लोकेश शर्मा ने बताया कि अनासागर झील को मिट्टी डालकर निगम अधिकारियों की भूमाफियाओं से मिली भगत कर यह बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर स्थापित हो गए हैं, जिसमें अनासागर की भव्यता तो बिगड़ी है, साथ ही झील का मूल स्वरूप भी बिगाड़ दिया। संगठन की मांग है अनासागर झील में इस प्रकार हुए समस्त अतिक्रमणों का विरोध की कार्रवाई की जाए। दिन पूर्व दैनिक भास्कर दैनिक नवज्योति अखबार के अंदर एक खबर प्रकाशित हुई थी, अनासागर झील पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटाने का काम नगर निगम करेगा और उस जगह के ऊपर पहले से ही भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और जो मुटाव लगाए थे उन तक मिट्टी भर करके अब उनको नीला रंग दे दिया गया है। उसके आगे की मिट्टी हटाने का काम नगर निगम करेगा, जहाँ तक कि वो मुटाव जो लाए गए हैं उनके पहले की जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा हो चुका है, उधर एक प्राइवेट बस स्टैंड बन गया है। अब वो ये निगम अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है या किस अधिकारी की शह के ऊपर इतना बड़ा अतिक्रमण जमीन के ऊपर किया गया है, इससे वो अनासागर झील की जो सुंदरता बन रही थी वह भी प्रभावित हुई है और वहाँ पर कोई 3000 गज जमीन के ऊपर अतिक्रमण ऑलरेडी हो चुका है। अब किस अतिक्रमण को हटाने की नगर निगम बात कर रहा है ये हम जानना चाह रहे हैं और हमने कलेक्टर महोदय साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है। जैसा कि सभी को मालूम है दोनों ऑफिसर अजमेर के हित में काम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब और सीओ मैडम नगर निगम, वो जो भी काम कर रहे हैं आज बहुत टाइम बाद कोई ईमानदार अफसर अजमेर के अंदर आए, हम लोग उस चीज़ की तारीफ करते हैं और बधाई देते हैं इन अफसरों को। और हमने ये मांग करी है कि साहब आप खुद मौके के ऊपर जाकर के देखें वहाँ पर क्या काम चल रहा है और किस तरह से अवैध गतिविधियाँ और जो अतिक्रमण वहाँ जगह के ऊपर हुआ है, तो उसके लेकर कलेक्टर साहब ने हमारे को पूर्णतः आश्वस्त कराए, हमारे को वादा किया है कि वह खुद ही जाकर के जगह पे देखेंगे। अभी चुनाव की व्यवस्था के चलते स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।